अल्लाह एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन आई एम हेयर विद अनदर वीडियो लेक्चर माई लेक्चर नंबर इज़ वन हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री फॉर इंटरपार्ट टू जिसमें हम लोग यूनिट नंबर एट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड नाउ वट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्लास ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स दैट इज़ अल्किन्स अल्कि्स में यहाँ पर हम लोग ने इसकी जनरल प्रॉपर के बारे में बात की है मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन के किन मेथड्स को यूज़ करके हम लोग अल्कीस को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन्स जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि केमिकली अल्किस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं दोज़ आर एडिशन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन उसके बाद आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूज़ ऑफ इथेंन और इथेंन के यूजेज़ को जानने के बाद हम लोग आएंगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे दैट इज़ अल्काइंस जो कि हमारी अगली क्लास है अगला ग्रुप है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इथिन जो है दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ पर यह इस्तेमाल होती है सो so जनरली जब मैं इथिन की बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्किन्स तो अल्किन्स में हम लोग वेरी फर्स्ट मैंबर जो इथिन है उसके यूजेस के बारे में उसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे बिकॉज इट इज़ एन इंट्रोडक्ट्री लेवल चैप्टर यहाँ पर हम लोग हर एक मेम्बर के बारे में सेपरेटली डिटेल में नहीं जाएंगे सो नाउ आई एम जस्ट टेलिंग टेलिंग यू अबाउट द यूज़ ऑफ अल के कहाँ कहाँ पे ये जो पहला मेंबर है अल्किन का जिसे हम ईथीन कहते हैं ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है सो so, सबसे पहले तो जिस तरह के मैंने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या था कि जब बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स जैसे कि ईथीन के यूनिट्स हैं जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो पॉलीमर बना देते हैं और वो रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है तो वो जो पॉलीमर बना था उसे हम लोग पॉलीथीन भी कहते हैं अगर वो इथिन के ऊपर मुश्तमिल है उसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो ईथीन हैं तो वो पॉलीथीन या पोलीथाइलिन दोनों में से एक कहला सकता है है तो ये जो पॉलीथीन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक प्लास्टिक मटेरियल है जब इथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं दैट इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल एंड दैट प्लास्टिक मटीरियल इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज इट इज यूज फॉर मेकिंग केबल्स बैग्स बॉक्सेज सो पहला जो इसका यूज है दैट इज रिलेटेड टू पॉलीथीन यानी जो इसका पॉलीमर है उससे यह रिलेटेड है, है कि पॉलीथीन बहुत ज्यादा यूजफुल है उसके अलावा जो इथिन है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जहाँ पे फ्रूट्स को राइप करना है एंड दे इट दे आर टेकिंग टाइम अगर वो कुदरती तौर पे कुछ टाइम लेते हैं फ्रूट्स पकने में बन जाने में तो वहाँ पे उनके ऊपर इथिन को स्प्रे कर दिया जाता है या इंजेक्ट कर दिया जाता है इथिन क्या करता है इट हेल्प्स द फ्रूट्स आउट इन राइपनिंग उनको आर्टिफिशियल राइपनिंग यानी फास्टली उनको राइप करने में हेल्प आउट करता है उसके अलावा इथन जो है इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ जनरल इस्थैटिक अनस्थैटिक यानी जो बेहोशी की दवा है उसको बनाने में भी इथें का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इथिन जो है इस्स्थैटिक बनाने में भी आ, काम आती है उसके अलावा इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस दैट इज़ अ केमिकल दैट वॉज यूज इन वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन में एक केमिकल जो था जिसे हम लोग मस्टर्ड गैस के नाम से जानते हैं वो दैट इज़ इन रियालिटी दैट इज़ इथीन एंड इसका नाम क्यों आया है मस्टर्ड गैस बिकॉज ऑफ इट्स ओडोर बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल जो कि मस्टर्ड के जैसी होती है एंड एक्चुअली इट इज़ नॉट अ गैस इट इज़ अ हाई बॉयलिंग लिक्विड एंड उसकी जब टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है उनके तौर पे उसको रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर वन में यानी कि वो बहुत उसके टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं जो हायर टेम्परेचर पे होते हैं सो इट वाज अ पावरफुल वेसिकेंट यानी कि वेयर एवर इट वाज स्प्रेड वो ब्लिस्टर्स बना देता था छाले बना देता था बर्निंग कॉज करता था सो इट यूज्ड यूज अ वेपन इन द वर्ल्ड वॉर वन जहाँ पे लोगों का आ, मतलब कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया गया था एज अ गैस इससे मस्टर्ड गैस किस तरह से बनती है ये इथीन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मस्टर्ड गैस इट इज़ नॉट अ मस्टर्ड गैस बाय इटसेल्फ इट इज़ यूज्ड टू मेक द मस्टर्ड गैस किस तरह से इसको यूज किया जाता है मस्टर्ड गैस बनाने में कि वी टेक टू मोलिक्यूल्स ऑफ इथीन हैविंग डबल बॉन्ड इन बिटवीन दैम और उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं सल्फर क्लोराइड को सो दिस सल्फर क्लोराइड यहाँ पे इट अटैचेज लाइक दिस विद इथीन दो मॉलिक्यूल से एक मस्टर्ड गैस का मॉलिक्यूल प्रिपेयर किया जाता था सो दिस इज़ अ मस्टर्ड गैस जिसे हम लोग इथाइल सल्फाइड भी कहते हैं यानी कि दो क्लोरीन, इथाइल यानी कि इथेन से इथीन से स्टार्ट हुआ है और सल्फाइड इसके साथ एक सल्फर का आइटम भी अटैच है दिस वाज़ द मस्टर्ड गैस दैट वाज़ वॉज दैट वाज़ अ हाईली बॉइलिंग गैस और ये ब्लिस्टर्स कॉज करता था वेन एवर इट टच द स्किन ऑफ द ह्यूमन बींग्स सो इट वॉज यूज एज अ वेपन अगेंस्ट द अदर पीपल गए हैं इस दाने में इसके अलावा इट इज़ यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फ़ॉर लार्ज नंबर ऑफ़ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत सारे महतलिफ़ किस्म के केमिकल्स बनाने के लिए जो कि इंडस्ट्रियली बहुत यूज़फुल हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए भी इथीन को एज अ स्टार्टिंग मटीरियल एज अ रॉ मटीरियल जो है वो यूज़ किया जाता है नो विच और दो केमिकल जिनको बनाने के लिए इथिन का इस्तेमाल किया जाता है दोज़ आर लाइक ग्लाइकोल जो कि एंटी फ्रीज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इथाइल हेलाइड है इथाइल अल्कोहल है ये सब चीज़ें जो हैं इनको बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे इथिन को लेना ज़रूरी है सो दीज वर द यूजेज ऑफ इथीन दिस वॉज द टॉपिक ऑफ अल्किस जिसके अंदर हम लोगों ने मैथड ऑफ प्रिप्रेशन उसकी जनरल प्रॉपर्टीज फ़िजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद अब यूजेज़ के बारे में स्टडी किया है इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ अल्काइंस एलिफेटिक हाइड्रोकारबंस की थर्ड क्लास है दैट इज़ अल्काइंस अल्केस में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अल्केस कंसिस्ट ऑफ द कॉर्बन आइटम्स हैविंग सिंगल बॉन्ड इनके अंदर अल्केन्स के अंदर तमाम कार्बन आइटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड की मदद से अटैच थे दोज आर कॉर्डलेस अल्केन्स या फिर पैराफिनस उसके बाद आते हैं अल्किस इन विच डबल बॉन्ड्स आर प्रजेंट और उसके बाद आप आते हैं अल्काइंस हैविंग ट्रिपल बॉन्ड्स तो अल्काइंस वो मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन आइटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड की मदद से अटैच होता है दैट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स उनको हम लोग अल्काइंस का नाम देते हैं सो नो लेट अस स्टडी अबाउट द अल्काइंस का ये मॉलिक्यूल्स किस तरह के एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी अल्केज एंड अल्कीस सो टॉकिंग अबाउट दी अल्काइंस अल्काइंस जो हैं वो अनसेचुरीट हाइड्रोकारबनस हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है दीज आर ऑल्सो अनसेचुरेट मीन्स इनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के तमाम के तमाम बेलेंसीज जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से फिलअप नहीं है इंस्टेड ऑफ सिंगल बॉन्ड देयर इज प्रेजेंट सम डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड तो जनरली uh, हम लोग अल्किस और अल्काइंस दोनों को अनसीचुरेट हाइड्रोकार्बन्स के तौर पर रेफर करते हैं और अल्केन जिनके अंदर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड हैं उनको हम लोग सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के तौर पे रेफर करते हैं अब बात करते हैं इनके जनरल फार्मूला की कि अल्कांस का जनरल फार्मूला क्या है जिस तरह से अगर हम लोग देखते हैं अल्केन्स को अल्केस का जनरल फार्मूला था तीनों आपस में मिलते जुलते हैं अल्केस का जनरल फार्मूला था सी एन एच टू एन प्लस टू यहाँ पर टू एन में टू ऐड था दैट वॉज अ जनरल फार्मूला फॉर दल्केस अगर हम अल्किन्स की बात करते हैं वहाँ से प्लस टू को रिमूव कर दें तो दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किस सी एन एच टू एन और अगर हम अलकाइंस की बात करते हैं दिस जनता जनरल फॉर्मूला फॉर दल्काइन सी एन एस टू एन माइनस टू यहाँ पे टू कम होते हैं एंड लेस दैन दैट ऑफ अल्काइन और अल्केन को आपस में कंपेयर करते हैं तो अल्केन के अंदर फोर हाइड्रोजन आइटम ज्यादा होंगे एस कम्पेयर टू सिमिलर अल्काइन मोलिक्यूल उसी का जो रेलिवेंट होगा कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइन मोलिक्यूल होगा उससे अल्केन के फोर हाइड्रोजन आइटम्स ज्यादा होते हैं तो इसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने अल्केंस में देखा था द फर्स्ट मेंबर वॉज कॉर्डलेस इथिन ईथीन जो है दो कार्बन आइटम पर मुश्तमिल है जबकि अगर हम अल्के्कैन के फर्स्ट मेंबर को देखते हैं द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज सी एच फोर द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू यानी कि ये जो अल्का अलकेंस हैं उनका जो पहला मेंबर है वो कम अज कम भी टू कार्बन आइटम्स पर मुश्तम होता है अल्किस के अंदर एक सिंगल कार्बन आइटम पर मुश्तमल है पहला मेंबर तो अगर हम अल्कस की बात करते हैं अल्काइंस के अंदर भी जो फर्स्ट मेंबर है उसके अंदर कम अज़ कम भी दो कार्बन आइटम्स का होना जरूरी है सो वाई इज दैट सो कि अल्किन्स का जो पहला मेंबर है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्बन आइटम जबकि जो अल्किन्स और अलकाइंस हैं उनके जो पहले पहले मेम्बर्स हैं उनके अंदर कम अज़ कम भी दो कार्बन आइटम का होना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है वो कार्बन एटम्स के दरमियान में ही एग्जिस्ट करेगा अल्केन्स के अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है सिंगल बॉन्ड है जो कि अल्केन के कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बनाते हैं दैट इज व्हाई उसका पहला मेंबर जो है सिर्फ सिंगल कार्बन एटम पर مشتمل है हैविंग फोर हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू इट विद द सिंगल बॉन्ड जबकि एल्केन्स और एल्काइन्स के अंदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे कार्बन का होना जरूरी है बिकॉज़ सिंगल कार्बन एटम वो कभी भी किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ही ना ही डबल बॉन्ड बना सकता है ना ही ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है वो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा तो उसको डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एक और कार्बन एटम की जरूरत पेश आती है सो दिस द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द अल्काइंस नो लेट अस सी अबाउट द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि हम किन मेथड्स को यूज़ करते हुए अलकाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं सो so, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जस्ट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कि वो मेथड्स जो कि हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइंस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं जस्ट आप अपना स्टार्टिंग मटीरियल जो कि रॉ मटीरियल है उसको चेंज करें उस हिसाब से आप अपना जो प्रोडक्ट है आप उसको अपटेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टिंग मटीरियल तो ये एक जनरल रिएक्शन है जो कि मुख्तलिफ किस्म के, के अल्काइन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं सो नाउ लेट अस सी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल ऑफ रिएक्शन जो कि यूज होते हैं सो द फर्स्ट जनरल मैथड फॉर द दिपरेशन दैट वी हैव इज डिहाइड्रोहेलोजनल आप यहां पर लें और उनकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएं विसिनल डाईलाइड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर दो हेलोजेंस के ग्रुप अटैच होते हैं तो दिस इज़ डीहाइड्रो यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना एंड हेलोजन एक हेलोजन हेलोजन आइटम्स को रिमूव करेंगे हाइड्रोजन आइटम्स को रिमूव करेंगे विसिनल डाई हेलाइट में से तो रिजल्टिंग जो मटेरियल हमें मिलेगा दैट विल बी एन अलकाइन सो विसिनल डाई हेलाइट को किस तरह से हम लोग अकाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह से उनकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएंगे कि जब इनका ट्रीटमेंट यानी इनको रिएक्ट करवाया जाता है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉग बेस से आप इनका रिएक्शन करवाएं जिसकी वजह से उनके अंदर दो दो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हेल्ड विल बी रिमूव फ्रॉम एडजस्टन कार्बन एटम्स यानी कि वो कार्बन एटम जो एक दूसरे के नज़दीक हैं उनके अंदर से एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के अंदर से एक एक हाइड्रोजन एटम और एक एक हेलोजन एटम रिमूव हो तो जाएगा जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर वैलेंसीज डिवेलप हो जाएंगी और वो ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना देगा सो विसिनल डाई हेल्ड का अगर हम लोग देखते हैं इट्स स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस कम अज़ कम भी इन हाइड के पास एक एक हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है एक एक हेलोजन एटम का और यहाँ पे बाकी जो ये आर है इट मीन्स इट कैन बी अ हाइड्रोजन एटम और इट कैन बी अ हायर ग्रुप तो इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ बेस के साथ रिएक्शन करवाने से क्या होता है कि ये जो दोनों एडजस्टन कार्बन एटम्स हैं इनके ऊपर से एक एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और एक एक हेलोजन एटम रिमूव होगा तो मैं इसमें से लिख सकती हूँ रिमूवल ऑफ वन मोल्यूल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट फ्रॉम ईच कार्बन आइटम दोनों कार्बन आइटम के ऊपर से एक एक हाइड्रोजन हेलाइट क्या निकल जाना सो so यहाँ से जब हाइड्रोजन भी निकल गया और हेलोजन भी निकल गया सो व्हाट वी हैव लेफ्ट बिहाइंड इज लाइक दिस तो यहाँ पे कार्बन के जो ऊपर वाले दोनों बॉन्ड थे ये यहाँ पे आपस में शिफ्ट हो गए और ये जो नीचे हाइड्रो हेलोजन के साथ अटैच थे वो यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे पास जो आ, स्टार्टिंग मटेरियल था विसिनल डाई वल्टेलाइट जिसके अंदर दो हेलोजन आइटम्स अटैच थे विद द एडजस्ट कार्बन आइटम्स दोनों हेलोजन आइटम को रिमूव किया और उन्हीं कार्बन आइटम जिनके ऊपर से हेलोजन आइटम को रिमूव किया है उन्हीं के ऊपर से आप एक एक हाइड्रोजन आइटम को भी रिमूव कर देंगे तो वो अल्काइन मोलिकूल में कन्वर्ट हो जाएगा दिस

डाई ब्रोमाइड है हमारे पास यानी कि दो ब्रोमीन के आइटम्स अटैच हैं वन टू डाई ब्रोमो इथेन इस मॉलिक्यूल का नाम है इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे विद द स्ट्रॉन्ग बेस बेस मैंने यहाँ पे चूज़ की है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एट एट्टी डिग्री सेल्सियस सबसे पहले तो यहाँ पे देखें यहाँ से रिमूव होगा आ, यहाँ से एक ब्रोमीन का एटम और यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटम रिमूव हो जाएगा तो व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड एच टू सी सी एच बी आर तो यहाँ पे दोनों कार्बन के एटम इसके ऊपर टू कार हाइड्रोजन एटम्स थे और एक ब्रोमीन का था तो यहाँ से एक ब्रोमीन या बेहतर है इस तरह से अगर मैं शो करवाती हूँ लाइक दिस तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटम रिमूव हो गया चला गया है और यहाँ पे सॉरी यहाँ से एक ब्रोमीन का एटम चला गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटम रिमूव हो गया है तो बिकॉज ऑफ दिस टू बॉन्ड्स जब ये फ्री हो गए इनके दरमियान में आपस में बन जाएगा डबल बॉन्ड दोबारा मैं इसका रिएक्शन करवाऊँगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने की वजह से मजीद इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर से पहले ब्रोमिन का आइटम गया था अब हाइड्रोजन का आइटम रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर से ब्रोमिन का आइटम रिमूव हो जाएगा ये भी बॉन्ड इधर मिडल

टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है तभी ये मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा अदरवाइज इट विल नॉट गेट रिमूव क्योंकि ऑलरेडी उनके पास आइटम्स uh, कम हो चुके हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है डबल बॉन्ड डेवलप हुआ है तो मज़ीद उसके अंदर से दोबारा से रिमूव करना हाइड्रोजन हेलाइट को इट विल इट विल नीट ड्रास्टिक कंडीशंस सो so, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने फ़र्स्ट मेथड देखा है दैट इज़ दी डिहाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का विसिनल डायब्रोमाइड में से विसिनल डाई में से रिमूव होना और उन उनकी वजह से अल्काइंस का बनना इसके बारे में हमने देखा है बाकी के मैथड्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन अल्लाह हाफिज